मोदी जी कह रहे कि 400 पार हो जा रहे इस बार। डंडा आ गई 400 पार। बलात्कारों के लिए कुछ होता है हमको बताइए। बुलडोजर नहीं चल रहा, बुलडोजर उनके घर में चल रहा है। मूत्र पीने से हमें ये फायदा लगता है कि भगवान से कनेक्ट हो रहे हो। रुक जा। मूत्र पी के सीधे मोदी जी से कनेक्ट हो जाते हैं। मनोज तिवारी को देखे हैं आप? ताली बजाने वाला छक्के की तरह ताली बजावे नुकर करके। अभी रागनी का बालो रागनी कराने को बैठ जाएगा। हाँ कन्हैया कुमार जीतेगा ना। शाबाश बेटा। मुझे बताइए देश में कैसे बदलाव आएगा? है बदलाव देश में कैसे आएगा? देश में बदलाव ऐसे ही आएगा। कैसे? जब पब्लिक परेशान होगी, जब जूते ले लेके एक देंगे फेल लाइन पे बीजेपी वालों पे। जूता ले लेगा डंडों से पट रहे हैं इधर भी इधर। मोदी जी कह रहे कि 400 पार हो जा रहे इस बार। डंडा आ गई 400 पार। क्या बोला तूने? डंडा आ गई 400 पार। 400 पार 400 पार फिर क्यों लड़ रहे हैं? 400 पार इनकी तो आई जाऊंगी। बात तो सही है। तो कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि 500 पार करवा दे रहे हैं। 500 पार करा रहे हैं बेवकूफ साले। 500 पार करा रहे हैं। बलात्कारों के लिए कुछ होता है हमको बताइए। बुलडोजर नहीं चल रहा, बुलडोजर उनके घर में चल रहा है। हम लोग बोल रहे हैं तो हमारे लोगों के घरों में चल रहा है बुलडोजर। बात तो सही है। उनके यहाँ दिन दहाड़े हैं, यहाँ धोती खोली जा रही है, महिलाओं को नंगा किया जा रहा है। यहाँ बता रहे हैं यहाँ कि अच्छे दिन आ गए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सब काम। वो उनके घर में घुस गया भाजपा की। हाँ भाजपा के घर में घुस गया। हाँ भाजपा नंगा कर दिया पब्लिक को। यहाँ अब उनको नंगा करने के दिन हमारे लोगों के आ गए हैं। किसके साथ? शाबाश बेटा। 15 लाख का इंतजार नहीं कर। 15 लाख उनके गांव में घुस गया। 15 लाख। रुक जा। 15 लाख उनके गांव में घुस गए। अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन क्या आएंगे? अच्छे दिन तो जो आने थे वो चले गए। अब आएंगे अच्छे दिन। कांग्रेस आ रही है, अब अच्छे दिन आएंगे। मैं कलश रखती हूँ, नारियल फूट जाता है। कलश रखती हो? हाँ नारियल फूट जाता है अपने आप। अपने आप 2 महीना 3 महीना। नारियल अपने आप फूट जाता है? फूट जाता है। तो अच्छा, तो क्या दिक्कत है? सब लोग बोलते हैं गलत करती हूँ इसीलिए फूटता है। लो मतलब जो नारियल फोड़ते हैं वो गलत करते हैं, यानी कि खोपड़ी में फोड़ो नारियल जो है सब बोलते हैं। ऐसे लोगों की खोपड़ी में नारियल फोड़ना चाहिए। और गुरु जी दूसरा प्रश्न है, अगर किसी के घर में उसका पति ही कलयुग हो तो उसके साथ कैसे रहें? पति ही कलयुग हो? हाँ उसके अंदर सब कलयुग का अवतार हो। इसके पति ऐसे हैं? हमारे कहाँ हैं? नहीं आए हैं कलयुग महाराज। नहीं आए? नहीं। तो आपके पति सुनेंगे तो आपको गुस्सा नहीं करेंगे कि ऐसा बोल के आई हो? वैसे भी करते हैं ऐसे भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी अभी ज्यादा हो गया कि पहले से है? जब से शादी हुआ तब से ऐसे ही है गुरु। तो आपके पिताजी ने देखा नहीं था कि कलयुग से कर रहे हैं शादी? मगर ये बताइए केरल में जो लड़कियां पकड़ कर धर्मांतरण करके जिहादी बनाने के लिए ले जाई जा रही हैं, वो तो फेक स्टोरी है। ये फंस गया सी है। महिला सम्मान सब गायब, वहां पे महिला सम्मान गायब। हाँ बेटा। और यहाँ जो जांच हो रही है कोर्ट के निर्देश में हो रही है, उसका इंतजार नहीं करना है और ताली बजाना है। तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अपने लगता है केरला की बात कर रहे हैं। क्या था केरला का? 30,000 महिलाएं कन्वर्ट हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, माफी वीर ने कान पकड़ के क्या कहा? 3 महिलाओं की कहानी है। बात तो सही है। 30,000 3 महिलाओं की, ये इनकी असलियत है। इस तरह से ये बरगलाते हैं। और ये भी एक सच है। आप ये लाइक करो, लाइक कर दो, कमेंट करो, कमेंट कर दो, फॉलो करो, फॉलो कर दो, फॉलो तो करनी करनी है, फॉलो तो करनी करनी है, क्या दो, फॉलो 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 करनी करनी है, क्या दो। ये अंधभक्त है। मैं हूँ अंधभक्त। हूँ अंधभक्त है, बिल्कुल हूँ। अंधभक्त मूत्र पीते हैं, ये गोबर फेशियल की जगह गोबर लपेटते हैं अपने ऊपर। मूत्र पिया होगा, बिल्कुल पिया होगा। क्या बात कर रहे हैं?
गौमूत्र पीने से हमें ये फायदा लगता है कि भाई हमारे हम शायद जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना भाई, हमारे हम शायद भगवान से कनेक्ट हो रहे हो। रुक जा है मिश्रा जी, गौमूत्र पी के सीधे मोदी जी से कनेक्ट हो जाते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि क्योंकि अब ये देश को गौमूत्र से चलाएंगे। जिनसे बंदे मातरम वो भी विरोध करते हैं, वो विरोध करते हैं, बंदे मातरम का विरोध संभल के, आपको पता ही है मीडिया बंधु हो आप, समझदार हो। अच्छा, उन्हें उनका दंड मिल जाएगा कि बंदे मातरम हिंदुओं की ठेस पे क्या ठेस पहुंची है हिंदुओं के दिल पे कि उन्होंने बंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा ठीक है, एक बात, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। बंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका, वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम अभी भी द्रुमदल शोभनी, तो ये तो आपको भी नहीं आता है। आता नहीं है, ऐसा नहीं है, आता नहीं है। अरे आप नेता जी नाराज हो जाएंगे, तो आपने सुनाया नहीं? ऐसा नहीं है, लेकिन वंदे मातरम का विरोध करना बहुत जंगल मन तो आता होगा पूरा। आता है लेकिन अभी नहीं सुनाना चाहता। तीन अच्छा काम बता दी। जम्मू में 370 लागू किए। अच्छा, दूसरा एक जो 3 तलाक है, ठीक है, और तीसरा मोदी जी अच्छा काम किए हैं जो G20 का ऑर्गेनाइज करेंगे, उस बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही तीनों? हाँ तीनों। ठीक है, समझ गया। तो 370 चूंकि आप रहने वाले कश्मीर के नहीं, आपका कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एक खुशी है। 3 तलाक, आप मुसलमान हैं नहीं ना मुस्लिम महिला, लेकिन आपको एक खुशी है। G20 से कोई लेना देना नहीं, G20 का मतलब क्या है, संगठन क्या है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन खुशी है। हाँ खुशी है। खुशी से बढ़ के क्या है? खुशी है। खुशी से बढ़ के क्या है? एक सवाल और आया था कि मनीष कश्यप पाकिस्तान ने बात कर लेते हैं, मनीष कश्यप चाइना बात कर लेते हैं, लेकिन मनीष कश्यप लद्दाख पे वीडियो नहीं बनाते। अभी मजा आएगा ना वीडियो लद्दाख पे। मनीष कश्यप मणिपुर पे वीडियो नहीं बनाते क्यों नहीं? या मणिपुर लद्दाख जब कांड हुआ था तो मैं जेल के अंदर था भाई। अच्छा, वहाँ पे अगर वीडियो बनाता तो फिर मुझे एक और केस मेरे ऊपर। लद्दाख ठीक है, लद्दाख में वीडियो बनाए थे आपने? उस समय भी मैं जेल में था। अभी अभी लद्दाख में जो सोनम वांगचुक वाला चल रहा था, देखिए प्रोटेस्ट चल रहा था, देखिए ये फंस गया सी है। मैं उनके बारे में स्टडी करने का प्रयास कर, मैं तो अभी जेल से निकला हूँ। जानते हैं? हाँ जानता हूँ वाला। हाँ, जब मैं जेल के अंदर था तो अभी लद्दाख तो अभी चल रहा था। नहीं, उस समय भी, उस समय भी वो आंदोलन पे बैठे थे। रिसेंटली जो अभी प्रोटेस्ट किया था उन्होंने, देखिए उस समय भी वो आंदोलन पे बैठे। वीडियो बनाया आपने? देखिए उसके उसके पहले हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा बहुत सारी चीजें। मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।